सच क्या अभी तक का सबसे टफ स्टंट करते नजर आएंगे टॉम। दोस्तों, मेकर्स अपनी फिल्मों को परफेक्ट बनाने के लिए किसी भी हद तक चले जाते हैं, ये तो वेल दोस्तों आप सभी को पता ही होगा और सभी बेहद से जानते हो। कई महंगी गाड़ियों को उड़ाने से लेकर कई बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स को घेरने का भी जो काम है वो इनकी फिल्म की डिमांड में ही आता है और इसके लिए उनको ऐसे शॉट्स भी दिखाने को पड़ती है जिसके लिए मेकर्स की बात करें तो दोस्तों ऐसे सीन्स परफॉर्म करते हैं और वो काफ़ी ज़्यादा रिस्की भी होते हैं कई बार, लेकिन कई बार फिल्म के एक्टर्स सीन को परफेक्ट और ओरिजिनल बनाने के लिए बड़े रिस्क भी ले लेते हैं। और इस लिस्ट में सबसे पहले तो आता है दोस्तों हॉलीवुड के एक्शन एक्टर टॉम का। जी हाँ दोस्तों, जो ऑब्वियसली अपनी फिल्मों के स्टंट्स खुद करने के लिए जाने जाते हैं। अगर आप इनके स्टंट्स की लिस्ट खोल लेते हैं ना दोस्तों, तो शायद ही ऐसा कोई कारनामा होगा जो टॉम ने अभी तक नहीं किया। लेकिन सबसे नोटिसिंग बात दोस्तों ये है कि मेकर्स एक्चुअल में फिल्म के लिए कोई अलग ही सीन ट्राई कर रहे होते हैं, बट टॉम उसमें अपनी मॉडिफिकेशन तो डाल ही लेते हैं जिससे वो काफ़ी ज़्यादा एंटरटेनिंग तो होता ही होता है, साथ में वो रिस्की भी हो जाता है। उनकी फेमस फ्रेंचाइजी मिशन इम्पॉसिबल में भी कई बार मेकर्स किसी सीन के लिए ग्रीन स्क्रीन और स्पेशल इफेक्ट्स यूज करने की डिमांड तो रख ही लेते हैं, बट टॉम उसे खुद ही करने से उतार लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, फिर चाहे उसके लिए उन्हें कई महीनों की ट्रेनिंग भी क्यों ना लेनी पड़े। और एक ऐसा ही किस्सा हुआ था उनके आने वाली मिशन इम्पॉसिबल डेथ रेकनिंग पार्ट 1 में, जब मेकर्स को एक सीन के लिए उन्हें डूबती सबमरीन से एस्केप करवाना था और एक्टर ने ये प्लान बनाया था कि वो इसे एक्चुअल में जरूर ट्राई करना चाहेंगे और एक्टर ने ये प्लान बनाया था और उसे एक्चुअल में ट्राई भी किया था दोस्तों। यानी कि एक एक्चुअल सबमरीन को डुबाना है और टॉम उसमें से ही खुद ही बाहर आ जाएंगे, ऐसा उनका प्लान था। और फिर क्या, टॉम सीन की प्रिपरेशंस में लग गए और कई दिनों की ट्रेनिंग के बाद फाइनली उन्होंने इसे सक्सेसफुली परफॉर्म भी किया दोस्तों। साथ ही साथ आपको बता दें कि इसी सीन से जुड़ी अभी एक और खबर हमारे सामने आ रही है, जहां ट्रेलर के बाद एक फैन थ्योरी काफी वायरल हो रही है जिसमें एक फैन ने ये क्लेम किया था दोस्तों कि एक मिसाइल की वजह से सबमरीन पानी में डूब रही होगी और टॉम को उसमें से ही ब्लास्ट होने से पहले निकलना होगा। हालांकि पहले तो ये एक थ्योरी ही थी दोस्तों, बट अभी एक पॉडकास्ट में एक इंटरव्यू के दौरान फिल्म के डायरेक्टर से जब इसके बारे में पूछा गया था तो उनका कहना था कि हाँ दोस्तों, ये कहीं ना कहीं जो थ्योरी है वो एक्चुअल में ठीक ठाक है या फिर अगर हम बात करें वो परफेक्ट भी हो सकती है। लेकिन कमाल की बात तो ये रखी है कि डायरेक्टर ने ये भी रिवील कर दिया कि ये सीन टॉम के करियर का अब तक का सबसे टफ सीन रहा है और ये कुछ ऐसा ही है जिसे फैंस ने आज से पहले कभी भी स्क्रीन पर ऐसा नहीं देखा होगा। अब फिलहाल ये तो हम सब जानते हैं दोस्तों कि मिशन इम्पॉसिबल फ्रेंचाइजी दिमाग हिला देने वाले स्टंट्स की परफॉर्मेंस करती है और जिसके साथ हम बहुत ही ज्यादा उनको अच्छा परफॉर्म देखते हुए बहुत खुश भी महसूस करते हैं। साथ ही साथ मेकर्स कुछ ऐसा कर रहे होंगे जिसे देखकर आप अपनी आंखों पर यकीनन नहीं कर पाएंगे कि ये हो भी रहा है या ये वीएफएक्स का कमाल है। मैं जब भी फिल्म के लिए थोड़ा सा ही वेट करना पड़ेगा दोस्तों, उतनी देर आपके क्या सवाल है फिल्म से जुड़े हमें कमेंट्स में जरूर बताएं।